किस व्यक्ति को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, उससे क्या लाभ होगा। आज हम मच्छमणि के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रामायण में हनुमान जी के एक पुत्र मकरध्वज की कथा का वर्णन। मकरध्वज का जन्म राहु काल में हुआ था। मकरध्वज एक मछली के गर्भ से पैदा हुआ था, जो न केवल एक मछली थी बल्कि वह एक माँ भी थी। इस मछली ने अपने बेटे मकरध्वज की राहु से रक्षा के लिए अपने सिर से मच्छमणि पत्थर निकालकर अपने पुत्र को सौंप दिया था। मच्छमणि कोई साधारण रत्न नहीं है, बल्कि यह बहुत ही दुर्लभ मणि है। इसे पहनने वाले व्यक्ति को जीवन के हर प्रकार के तनाव से मुक्ति मिलती है और उसका जीवन खुशहाल बनता है। इस राहु बाधा निवारण के लिए अचूक उपाय है। मछलियों के अंदर कई रंग के पत्थर बनते हैं, जो बेशुमार धन और देवताओं का आशीर्वाद देते हैं। मच्छमणि मछली की आंख की तरह होती है। इस मणि के प्रभाव से काला जादू बेअसर होता है, धन एवं स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। मच्छमणि को धारण करने से आपके जीवन में प्यार और सम्मान आएगा। मच्छमणि एक आध्यात्मिक प्रभाव और स्मरण शक्ति के साथ साथ आपके जीवन को प्रकाशमान करता है। मच्छमणि पहनने से जीवन में आने वाली परेशानियां जल्द ही दूर हो जाती हैं। समाज में मान सम्मान बढ़ता है, कार्य में रुकावटें नहीं आती हैं, जीवन हर प्रकार की सुखमय हो जाता है। मच्छमणि पहनने से राहु के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। जिस व्यक्ति पर राहु की अंतर्दशा महादशा चल रही हो, ऐसे व्यक्ति को मच्छमणि जरूर धारण करनी चाहिए। मच्छमणि पहनने से जिन लोगों का व्यापार ना चल रहा हो या नौकरी नहीं लग पा रही हो, ऐसे व्यक्तियों की नौकरी जल्द ही लग जाती है और व्यापार में भी लाभ होता है। इस प्रकार मच्छमणि हर प्रकार से आपके लिए लाभकारी है। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी।